अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक सर्कुलेशन टाइप। सर्कुलेशन टाइप्स आपकी जो बुक में जो रिलेटेड दी हुई है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरी दी हुई है सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन या फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन आपकी बुक में रिलेटेड दिया हुआ है बर्ड्स और मैमल के बारे में, ये इन दोनों में ये चीज़ होती है। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फोर चैम्बर्स ऑफ हार्ट, हार्ट के चार चैम्बर्स मौजूद हैं, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है वो किस में होती है, लंग्स में। लंग्स से रिलेटेड जितनी भी पॉइंट्स हैं, जितने भी फंक्शंस हैं वो होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, पल्मोनरी। लंग्स से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होंगे, फंक्शंस होंगे, वो क्या कहलाएगा, पल्मोनरी। आगे क्या है, ये क्या हो रहा है, सर्कुलेशन हो रही है, ब्लड का सर्कुलेट करना, बॉडी में ब्लड का सर्कुलेट करना, और बॉडी के कौन से ऑर्गन में करना, लंग्स में। सिर्फ लंग्स की बात कर रहे हैं तो पल्मोनरी, बाकी लंग्स के अलावा जितने भी ऑर्गन्स की बात की जाएगी वो क्या कहलाएगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये आपको समझाने के लिए छोटा सा लिख दें यहाँ पे कि बॉडी, और यहाँ पर लिख दिया हमने लंग्स। कि जहाँ पे लफ्ज़ पल्मोनरी आता है वहाँ पे आप जो है क्या यूज़ करेंगे, लंग्स, और जहाँ पे लंग्स के अलावा बात की जा रही है हमारी वो क्या कहलाएगा, सिस्टमिक। पल्मोनरी के क्या फंक्शन है यहाँ पे, पल्मोनरी सर्कुलेशन मूव ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड द लंग्स। फिर आगे कह रहा है, इट ट्रांसपोर्ट डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ट्रांसपोर्ट डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। क्या चीज़ एब्जॉर्ब कर रहा है, ऑक्सीजन, और रिलीज क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड देन फॉलो बैक टू द हार्ट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस कहाँ चले जाएगा, हार्ट में। सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या है हमारे पास, सिस्टमिक सर्कुलेशन मूव ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। क्या फंक्शन है इसका, सिस्टमिक सर्कुलेशन मूव ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड द रेस्ट ऑफ बॉडी। ये आपकी टाइप है टू, पल्मोनरी और सिस्टम। छोटे छोटे टॉपिक जो हम पहले डिस्कस नहीं किए थे अब वो आपको बता रहे हैं क्या, एक आपकी बुक में लिखा हुआ है सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन प्लान या सिंगल सर्कुलेटरी प्लान या सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, कुछ भी आप उसको कह सकते हैं। और दूसरा आपने लिखा है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम या डबल सर्कुलेशन या डबल सर्कुलेशन, ये कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं, कुछ भी से बात, मतलब सिंगल सर्कुलेटरी बोलें या सर्कुलेशन बोलें, बात पर एक ही है। इसमें क्या फंक्शन है कि आ सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड ट्रेवल ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन वन कम्प्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सिंगल सर्कुलेशन। मतलब कि जो ब्लड हार्ट से एक ही दफ़ा में अपनी साइकिल को कम्प्लीट कर रहा है वो क्या कहला रहा है, हमारा सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम कहला रहा है या फिर सिंगल सर्कुलेशन कहला रहा है। उसके अलावा वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ये सिंगल सर्कुलेशन किस पे प्रेजेंट होती है, इट अक्योर्स इन फिशेस। फिशेस में सिंगल सर्कुलेशन होती है, क्यों, क्योंकि फिशेस के पास टू वॉल प्रेजेंट है, टू चैम्बर्स मौजूद हैं, इसलिए उसका जो ब्लड है वो एक ही दफ़ा में घूम के अपनी साइकिल कंप्लीट करके और वो कंप्लीट हो जाता है उसका सर्कुलेशन प्रोसेस, वो क्या कहलाता है, सिंगल सर्कुलेशन। अब डबल सर्कुलेशन में क्या है, अ सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कम्प्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन किस में प्रेजेंट है, एम्फीबियाज में और मैमल्स में। एम्फीबियाज और मैमल्स के जो चैम्बर्स अभी आपको मैंने बताया, बर्ड्स और मैमल्स के फोर चैम्बर्स मौजूद हैं और एम्फीबियाज में थ्री चैम्बर्स मौजूद हैं, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के अलावा आपके बुक में लिखा हुआ है कि क्रोकोडाइल के अंदर जो है फोर चैम्बर्स मौजूद हैं, बाकी क्रोकोडाइल जो हमारे किस में आता है, हमारे जो है वो रेप्टाइल्स के अंदर आ रहा है, और वो उसमें हमारे जो है कितने फोर चैम्बर्स मौजूद हैं, लेकिन मैमल्स में फोर चैम्बर मौजूद हैं, एम्फीबियाज में हमारे पास थ्री चैम्बर्स मौजूद हैं। चैम्बर्स मतलब हर्ट्स की जो वॉल मौजूद है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो अभी हम सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन पढ़कर आए हैं उसमें हमारे ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड की बात की जा रही है। ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड जो है वो क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डी ऑक्सीजनेटेड नंबर वन हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो पहले क्या है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है क्या, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लो इन ऑक्सीजन एंड हाई इन कार्बन डाइऑक्साइड।
जिस ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड हाई हो जाए वो क्या कहलाता है, हमारा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है। आप लोगों ने सुना होगा खराब खून, साफ खून, गंदा खून, अच्छा खून, तो वो क्या होता है हमारा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मीन्स इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन डैप हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन इसके अंदर बढ़ रही है, तो वो क्या कहलाएगा हमारा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अगर हम डिफाइन करें तो वो इस तरीके से, द राइट साइड पम्प डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स, राइट साइड पम्प डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स, लंग्स में ऑक्सीजन डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। फिर देन हम डिस्कस करें ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है हमारे पास, द लेफ्ट साइड पम्प ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये मैं ब्लड लिखना भूल गई थी तो आप लोग इसको सही कर लीजिएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द ऑर्गन ऑफ द बॉडी, कहाँ पे जा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा लेफ्ट साइड पम्प कर रहा है उसको ऑक्सीजनेटेड को, ऑर्गन में जा रहा है, किसकी, बॉडी के ऑर्गन्स में जा रहा है। अब ऑक्सीजनेटेड में क्या हो रहा है, हाई इन ऑक्सीजन एंड लो इन कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जो है वो ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, हाई होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम होती है। अब इन दोनों पॉइंट्स के ये हमें अगर थोड़ा सा क्लियर ना हो कि राइट साइड क्या है लेफ्ट साइड क्या है, तो ये आपको छोटी सी डेफिनेशन लिख के यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, इंशाल्लाह आपको समझ में आ ही जाएगा, समझ में आ जाए डेफिनेशन में, नज़र आ रही होगी आपको कि द पल्मोनरी आर्टरी कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी का मतलब लंग्स की बात कर रहे हैं, वो आर्टरी जो लंग्स से आ रही है, द पल्मोनरी आर्टरी कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल इंटू द लंग्स, कहाँ से, राइट वेंट्रिकल इंटू द, फिर कहाँ पे जाएगी, लंग्स में, फॉर ऑक्सीजनेशन, किसके लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए। फिर सेकेंड पॉइंट लिखा है द पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इंटू द लेफ्ट आर्ट्रियम वेयर इट इज रिटर्न टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये आज का टॉपिक है, कंप्लीट हुआ।